सोनोटेक कैसेट। ऐसा करिए, उसे अनिल को उठा के खेत पे भेज दिए, वहाँ आज ज्यादा काम है। उससे कौन टक्कर मारे, अपने आप ही कह दो। मुझे देर हो रही तो एक कहका उसे। ठीक है।
मेरी बड़ी सुन रहा है वो, मुझे तो काटना खुआ है। जो भी कहना आपने आप कहा करो उससे। वैसे पापा जी ने भेजा था उसे खेत पे। ले मैं तेरे लिए रसगुल्ले ले आऊं, कमरे में रख दे। अभी तो बड़े गरम हो रहे थे मेरे ऊपर। वो तो वहाँ नील पे हो रहा था, तेरे पे बड़ा गुस्सा हो सकूं मैं। बस रहन दो। ले मैं नहाने जा रहा हूँ और तू जल्दी से दूध गरम कर लिया, दोनों बैठ के इकट्ठा खावांगे। ठीक है जी। क्या कर रहा क्या है? धर्म पत्नी की सेवा हो रही है और हमें कोई पूछता भी नहीं। इसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। हाँ भाई, कहाँ था? तुझे खेत पाण की कही थी, आया क्यों नहीं? वहाँ कितना काम है? मेरे बस की ना काम वाम, जिसका काम है वो अपने आप करे। अरे किसका काम, सारा काम मारा ही तो है, सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है के करने की। तू ही डींग मारता रह, मैं ही करूँ सारा काम, मैं ही करूँ। अरे अब करना पड़ रहा तो क्यों रो रहा है? ना होता मत करे, होता हो कर, मेरे पीछे मत पड़े। काम तो करता नहीं, सारा दिन बकवास करता रहे। पापा जी को आन दे, वे ही सीधा करेंगे तुझे। कह दिए मैं के डरूं किसी से? ओहो दूध, अरे सारा ही तुम पियोगे के, थोड़ा बहुत हमें भी दो। ओह बड़ा गर्म दूध है भाई। अरे ये क्या हो गया? अरे ये उस अनिल के काम है, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अब रहने भी दो, लड़ने से कोई फायदा ना है। दूसरा काम तो कुछ नहीं करता, खान को से माल चाह। अरे तन्ने कैसे खा लिए रसगुल्ले? कौन से रसगुल्ले बताओ, कौन से रसगुल्ले? ओहो अरे रुक जा, काम आ गए। और भाग के भी देख ले कानों को, भाग गया। अरे अरे क्या हो गया? काम तो यू करता नहीं, खान को इसे सबसे ज्यादा चाह, खेत में भेजा था तुमने, वहां पहुंचा नहीं। अरे भाई मानस की तरह मैंने 100 बार समझा लिया, अब अगर इसकी समझ में नहीं आती तो मैं क्या करूं? नहीं तो ढील दे रखी से, नहीं तो यू सुधर जा। क्या बात कर रहा है तू राजू? बिन माँ का बालक है, बता मैं कब तक इसके साथ शक्ति करूं? और तेरी माँ जो है ना, वो मरते हुए कह के भी गई थी अगर मेरे लाडले को कुछ मत कहियो। इसी बात का तो फायदा उठा रहा हूं, नहीं तो यू रसगुल्ले खा ले। रसगुल्ले? कैसे रसगुल्ले? मेरा मतलब था काम तो हम करे, माल ही उड़ावे। अरे तो क्या हो गया भाई, है तेरा छोटा, कुछ खा पी भी लिया तो कोई बात नहीं, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा।
अरे कहाँ रहेगी, जल्दी रोटी ले आ, देर हो रही खेत पे जाना। मर गई। आ, आ। क्या हो गया, कैसे गिर गई? लगता है तेरे पैर में मोच आ गई। बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे की बात हुई भाई, कैसे गिरम गिरा हो रही है? यहाँ तो पानी पड़ा, किसने घेर दिया? मुझे ना पता। किसने घेर दिया? तेने तो नहीं घेर दिया? हाँ तुझे तो सारी बातों में मेरी गलती लगे, मैं क्यों घेरता? ऐसा कर, इसे ले जा, इसकी सेवा पानी कर। अरे कहाँ जा रहा? उसे डॉक्टर राजवीर को बुला लिया, नीम वाले को? इसके बहुत दर्द हो रहा। ठीक है ला रहा हूँ, तुझे तो काम बताने का मौका चाहिए। तो बहुत बुरा है राजू, क्या कह रहा है डॉक्टर? वो तो यूँ कह रहा है कि वो कई दिन तक हिल भी नहीं सकती। हाँ भाई, मोच का तो राग ही बुरा है, पर वो रोटी पानी का कैसे करेंगे? यही तो समस्या है, उसका पैर सूज गया, इतना मोटा हो गया कि एक आदमी तो उसे चाह दे एक बाल को, और इस अनिल तो कोई उम्मीद है। अरे अनिल की तो बात छोड़, पर मेरी समझ में यूँ आ रही थी, अरे बहू की एक छोटी बहन की दो, क्या नाम है उसका? आरती है। हाँ आरती, तू ऐसा कर मोटरसाइकिल ले जा और उसी को लिया, दो चार दिन को रोटी पानी की तो पुगाओगी वो, तब तक बहू ठीक। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, इस समस्या का हल यही है, मैं चला जाता हूँ, पर एक बार मंजू को कह दूँ। मंजू बच जाता ना इधर, ऐसा है मैं आरती को लेने जा रहा हूँ, रोटी पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी और तुझे भी आराम हो जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं भी यही सोच रही हूँ, और मम्मी पापा से कहना कि मेरी ज्यादा फिक्र ना करें, दीपक से कहना कि चिंता ना करें। कह दूंगा, पर अपना ख्याल रखिए। अरे बेटा ज्यादा चोट तो नहीं आई मंजू को? नहीं मम्मी जी ज्यादा चोट ना, हड्डी से पैर का मोच आई। हाँ मेरा राजू दाती एक बार मोबाइल पास है पूरा जी। चलो अब मैं भी देख लिया, मैं एक बार मंजू बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, मेरा बड़ा मन कर रहा उसे देखने। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। तो चलो ना सब चलो, मंजू भी खुश हो जाएगी। हाँ बेटा बात तुम्हारी सही है, लेकिन सब जाते अच्छे नहीं लगते, वैसे आरती जाएगी तुम्हारे साथ। देख आरती किसी काम में शिकायत नहीं आनी चाहिए, अपने काम से काम रखिए। मम्मी आप चिंता ना करो, मैं शिकायत का कोई मौका ना दूंगी। वो तो हमें पूरा यकीन है, लेकिन अनिल से थोड़ा कब कमी बात करिए, वो थोड़ा गर्म घुमा। आप उसकी चिंता ना करो, वो थोड़ा काम चोर है और कोई बात नहीं। मार की फोन पे जरूर बात करती रही है ना, तो मैं चिंता लगी रहेगी। अच्छा जी मैं चलता हूँ, वहाँ मंजू की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा। हाँ बेटा जल्दी। आरती मेरी जाती मंजू से बात करा देना। हाँ मम्मी जरूर। भैया मेरी किताबें कहाँ रखी हैं? सब मैंने इस बैग में रखी हैं। ठीक है भैया। पढ़ने जा रही है, मैं काम करने जा रही हूँ। अरे पापा आप तो जानते हो आरती को पढ़ने का कितना शौक है। हाँ ये तो बात है। अच्छा जी अच्छा। राम राम मैं चलता हूँ। चलो मैं इस बैग को नीचे तक पहुँचा देता हूँ। मौसा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, और सब ठीक है तुम्हारे घर पे? हाँ जी सब बढ़िया है। और तेरे पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? पापा ठीक है मौसा जी, पापा ने आपको राम राम बोली है। ओहो राम राम भाई, रिश्तेदार है हमारा वो तो। मौसा जी दीदी कैसी हैं? अब दीदी की मेरे से क्या पूछे भाई, तू आली तू अंदर जाकर पूछ उससे। ठीक है मौसा जी। और भाई कोई दिक्कत तो ना हुई? ना कुछ ना हुई। और कुछ कह तो नहीं रहा था हमारा समझी? ना कुछ ना, सब आपके बारे में पूछ रहे थे, चौधरी साहब ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं, तू भी थक गया होगा, जाकर तू भी आराम कर अब। है ठीक है दीदी, तुम भी क्या देख के नहीं चल सकती? अरे मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वहाँ पानी पड़ा है, कुछ देर पहले तो मैं वहाँ से निकली थी, तब तो पानी वहाँ नहीं था। तो पानी अपने आप ही उठ के आ गया। खैर आप कोई टेंशन की बात नहीं, मैं आ गई, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ ये तो सही बात है, अब हमारी खूबसूरत साड़ी आ गई है, चिंता की कोई बात नहीं है। ओहो साली को देख करके कैसी बहार आ रही है मुंह पे, वो तो मुझे दिख रहा है। जीजू मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आपने मेरी दीदी का ख्याल नहीं रखा। हाँ ये तो हमारी गलती है, कोई नहीं अब हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। मेरा क्यों,
तुम मंजू का ख्याल रखोगे, तुम्हारा कौन रखेगा? तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी तो होना चाहिए कोई। आरती, तू दोनों भाइयों से दूर ही रहिए। अनिल ना दिख रहा है कहीं, कहाँ है वो? बस उसकी ना पूछो, वो तो छोटा साउंड है, कब आवे कब जावे उसका कुछ पता नहीं चलता। तू भी उससे संभाल के रही है। कोई बात नहीं दीदी, मैं सब संभाल लूंगी। आज तक तो किसी से मिला नहीं। सुनती ना तू, अब चुप क्यों खड़ी है नींद की रात? कहाँ है रोटी? मुझे ना पता था तुम्हारा भी खाना रखना है। ना और कौन रखे है मेरा खाना? चोट पैर में लगी है, दिमाग में? दिमाग ठीक है तेरा? वो मैं ना हूँ। वो मैं ना हूँ तो तू कौन? भूत है। अरे क्यों ना ड्रामा इस पे? ना आरती उतारू मैं इसकी। अरे यार तेरी बात भी ना, उसकी बहन आरती है। तो यार बोल ना सके, मैं इतनी देर तक बोल रहा हूँ। बोलने का मौका कहाँ दिया, बस शुरू ही हो गए। क्यों? मरने के तेरे मुंह पे ताला मार दिया तो बोलना सके थी? बोलने दे तू किसी को, तुझे ये तो पता नहीं किससे कैसे बोलना, बोलने की तमीज तुझे है नहीं। मुझे तेरे से कुछ सीखने की जरूरत ना, मुझे पता तू क्यों इसकी ओट ले रहा। क्या मतलब है तेरा? चलिए जीजा जी, लड़ने से कोई फायदा नहीं है, गलती मेरी है, मैं आगे से खाना बेच दिया। टाइम तो आया कर घर पे, रात भर कौन बैठा रहेगा तेरे लिए? क्यों आया तू? उठ के किसने बुलाया तू? अरे आप दोनों तो शुरू ही हो गए, चलिए जीजा जी। हाँ हम दर्द इकट्ठे कर रहे हैं, बहुमत बना रहा, सरकार बनानी है तुझे। लड़ने से कोई फायदा नहीं है जीजा जी। क्यों ससुराल इकट्ठी करे तेरा? डरता हूँ मैं, करके दिखा रहा है। क्यों ना डरता नहीं, क्यों भीड़ इकट्ठी करे तेरा? और दो चार बुला ले। मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा? हाँ मैं तो इसे पी दूंगा, भूख लग रही है, रोटी वोटी का तो कुछ है ना। अरे खट्टा हो रहा है, तो जामन दे दिया होगा, दिन चिपता नहीं, जामन पहले दे दे, यूं ही देखते कुछ। मौसा जी आपकी तुलसी वाली चाय। अरे वाह भाई वाह, तुझे कैसे पता है कि मुझे तुलसी वाली चाय पसंद है? मौसा जी मैंने दीदी से पूछ लिया था घर में किसको क्या क्या पसंद है। बड़ी समझदार है तू तो। दरअसल राम सिंह जी की किस्मत ही अच्छी है, उन्होंने अच्छे संस्कार दिए बच्चों को। चल खैर कोई बात नहीं, अपना काम कर बेटे। ठीक है मौसा जी। अरे हाँ आरती जी। मौसा जी। बेटे मैं आज शहर जाऊंगा, तुझे कुछ मंगाना तो नहीं? मौसा जी मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आते समय दीदी की दवाइयां लेते आना। अरे हाँ वो तो अच्छी याद दिलाई भाई तूने। दीदी अचार कहाँ रखा है, मुझे मिल ही नहीं रहा। वो वहीं रखा है आटे के डिब्बे के पास में। ठीक है दीदी। आरती मुझे भी दही और पराठे दे दे। जीजू दही नहीं मिल पाएगी, कल रात को मैंने दूध जमाया था। लेकिन वो जमा नहीं है, कल रात को उसमें से किसी ने दूध पी लिया, उसके पास कटोरा भी पड़ा था। यू कौन कर सके हमारे घर में काम, एक ही तो है, भूखा आया होगा, दूध पी के सो गया। कोई नहीं जीजू, मैंने आपके लिए पराठे बना रखे, दूध गर्म कर रखा है, अभी लाती हूँ। ठीक है जल्दी से ले आ। ऐसा करिए चलिए फिरिए ना, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखी, किसी चीज की जरूरत हो ना तो आरती को बोल दिए। ठीक है। दीदी मुझसे वो गुड़का कट्टा ना उतरा, क्या करूं? वो तो तेरे जीजा जी आएंगे तभी होगा। अनिल कहाँ है, उसे कहकर देखती हूँ। वो तो सो रहा होगा, उससे कहने का कोई फायदा नहीं है, कहेगी तो लड़ने को आएगा, मुझे भी बड़ा डर लगता है उससे। देखते हैं दीदी, करना तो उसे पड़ेगा, कोई तरीका सोचना पड़ेगा। जबकि सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली का टेढ़ा कर लेना चाहिए। तू उससे मत उलझ, खामा है तेरा झगड़ा और हो जाएगा उससे। बस तुम देखते जाओ उसे कैसे काम करवाती हूँ। आरती सुन तो सही, कहीं लड़ना पड़े वो उससे। अनिल
के सुन क्यों ना देती है। अरे सुनो एक बार, खड़े हो। जीजा जी नहीं है यहाँ, मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है। ओहो, तो तुझे मास्टर नहीं बना के ला गया मुझे काम सिखाने के लिए? तेरा पूरा खानदान और वो तेरा जीजा भी लग जाओ ना, मेरी मर्जी के बिना काम नहीं करवा सकते। अरे वो कुछ भारी सामान है, मुझसे हो नहीं रहा, इसीलिए तुम्हें बोल रही हूँ। तो बुला अपने जीजा को, वो करवा देगा। वो तो खेत पे गए हैं। तो मेरे बस की ना किसी के काम करवाने, अपना काम अपने आप करो, तड़की तड़क आ जा, नींद खराब कर। अरे वो तो मुझसे मौसा जी कह के गए थे कि अगर किसी काम की जरूरत हो तो अनिल से करा लेना, और ना करे तो मुझे बता देना। तुम्हें चुगली लगाना ही है। अब जो बात सही है वो तुम्हें कहूंगी, और नहीं करोगे तो मैं मौसा जी से कह दूंगी। करना है करो, वरना मत करो, मैं तो चली गई। ये करना है? आओ चलो बताती हूँ क्या करना है। अरे मेरा मतलब था ना, तो तुमने हाथ मुझे ना ही ब्रश किया। तू डॉक्टर है के? साफ सफाई तो रखनी चाहिए वरना बीमारी फैल जाएगी। देखना मैं बीमार हूँ ना, तू डॉक्टर है, अपना ज्ञान अपने जरूरत रखे। खाना कहाँ है मेरा? खाना तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें आदमी बनना पड़ेगा।
आदमी दिखाई ना दे रहा, तो थारे यहाँ कैसे आदमी हो? मेरा मतलब है तुम्हें सही तरीके से घर में आना होगा, सही तरीके से खाना खाना होगा। और तेरा सही तरीका क्या है? वापस जाओ घर के बाहर, जाके दरवाजा खटखटाओ, फिर मैं दरवाजा खोलूंगी। अंदर आके अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर फिर खाना मांगो, तब तुम्हें खाना मिलेगा। बस इतनी सी तो बात है। बस इतनी सी तो बात है, है? तेरी एक तो बात की मान ली तू सिर पे चढ़ गई। अरे जितनी तेरी मान ली उतनी तो मैं अपने बाप की भी ना मानता हूँ। तो भूल जाओ फिर खाना। तू ये मास्टर निगरी छोड़ दे, मैं तो चलती कर दूं यहां से। अपने घर करना है ड्रामे जाकर। तुम चाहे जो भी कहो, खाना तो तुम्हें वैसे ही मिलेगा जैसे मैं करूंगी। अरे क्या हो गया, तू दम मचा रखा है? न सोन देते न पढ़न देते। कितनी देर तक खाना मांग रहा हूँ, देना रही बेटे खाना दो ऐसे। देखे कहू के जाए पे इतना जुलम मत करो। यो संसार में अवतार खाने के लिए लिया और तुम खाना ना देते। मौसा जी मैंने खाने से मना नहीं किया, मैंने बस इतना कहा कि घर में कूद कर नहीं गेट से अंदर आया करो, लेकिन ये मानते ही नहीं है। भाई बात तो ये छोरी बिल्कुल ठीक कह रही है, तू मानता नहीं क्यों नहीं? जैसा ही आके वैसा करो। मुझे ना खाना खाना होना। आज सुन रहे, खाना भी खाना पड़ेगा और दरवाजे से सीधा सीधा आना भी पड़ेगा, और ना मेरे लटकाने पड़ेंगे तुझे। अब घर में इसकी चलेगी के? अरे इसका क्या मतलब है? दो चार दिन काम करे जा अपने घर। बात इसकी या उसकी नहीं है, बात है सही और गलत की। यू काम तो तेरे साथ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चल जा और दरवाजे से आ। सुनती ना, जा रहा है कि नहीं? बेटे अगर यू ऐसा ना करे तो तू मुझे जगा लिए, ठीक है ना? ठीक है मौसा जी। सुन रहे, समझ जाएंगे, मानस हो जा। अरे किस काम की नहीं लाए हैं यार, यहाँ चल रही है इन लोगों की ससुराल कट्ठी कर लग रहा अपनी, जिस काम की नहीं लाए वो तो करना आता नहीं है। काम की नहीं लाए हैं पर जब ते आइए मेरे ही पीछे पड़ रही है और पता ना घर वाले भी इनके गैल ही भेज दे, माड़ा सा बहाना चाहिए। अरे उसके माड़ी सी चोट लगी, आसन पानी लेके लौट गई। अरे थोड़ी सी चोट थी, एक दो दिन में ठीक हो जाती, सारा कुनबा पागलों का दिखे। अपने काम से तो मतलब है ना, दूसरों को देखते फिर यू कब आ रहा है, इसे रोटी देनी है नहीं देनी है पता ना। अरे मेरे से क्या मतलब है, तू अपने आई है तो अपने जीजा का काम कर, अपनी बहन का काम कर, मैं कदी आऊं कदी जाऊं, क्या मतलब है इस बात का? पता ना नई नई बात चला रहे हैं घर में जो कदी ना चली ना चले। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया भाई, और मैं बड़बड़ा रहा हूँ खामखा। पूरी सेवा कर रही है तो Thank you.
पता है। तू यहाँ तक जाने का क्या लेगी? मुझे ना करना कोई काम आ। तू जाने तेरा काम जाने। अरे मुझसे तो मौसा जी कह के गए कि कुछ काम की जरूरत पड़े तो अनिल को बुला लियो। तने के गुट्टी पे आई है तेरा मौसम हमारा भी तो कुछ लगता होगा जब तेरे को मचा जी करके। अरे मैं क्या गुट्टी पिलाऊंगी, तुम्हें करना है तो करो वरना मत करो। मैं तो कह दूंगी मौसा जी से। कल की तरह ऐसे ही कोई जेब हुआ मैंने सारा कुछ से। एक यू राजू है जिसने सारा कुमार मेरी छाती में बैठा दिया ना इसके ससुराल वालों को क्या दुकान चोरी भेज दिया कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। देख मेरा नाम मत ले, मना ना करा कुछ भी। और किसका नाम लू, तुमने ही तो मारी है मुझे चोट। ये भी नहीं देखा मुझे कितनी चोट लगी है। मन्ने तो कही थी दही पी लेने दे, अब धक्का लग गया तो मैं क्या करूँ। तुम कुछ मत करो, बस मौसा जी को आ जाने दो, अब तो वही करेंगे जो करेंगे। तुम मौसा को क्यों लावे बीच में बार बार? ठीक है नहीं लाऊंगी, लेकिन जो मैं बोलूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। ऐसा क्या काम करना पड़ेगा? देख ज्यादा काम ना होता मेरे पे, छोटा मोटा कर दूंगा मैं। छोटा मोटा कुछ नहीं, बस यही घर के काम है जिसमें तुम्हें मेरी मदद करनी है। अच्छा एक बात बता, तू कब जाओगी हद तक? तुझे मैं ही मिला हूँ तंग करने को। कभी कदार अपने जीजा को भी देख ले कर। बातें बनानी बंद करो और इसको साफ कर दो जो तुमने दही गिराई है। अब ऐसे भी काम करने पड़ेगा क्या अपने आप का? तुमने गिराई ना तुम्हें साफ करना, मौसा जी को कह दूंगी मैं। ऐसे ही नहीं अच्छे से पानी से साफ करो भाई। अच्छी मुसीबत आई है। मेरे बस की ना, मुझे काम है। तुम्हें कौन सा काम है? यही तो काम है बस इधर उधर घूमना। तुझे बड़ा पता है मैं क्या क्या करूं? दो दिन तो यहाँ आई है, सीबीआई में है तू, इसे सब पता है भाई। मुझसे बहस मत करो, मुझे तो मौसा जी बोल के गए कि अनिल को खेतों पे भेज देना नाश्ता लेकर। मौसा जी अरे मौसा जी तो अलग भी कोई बात होगी या एक ही बात पता तुझे? हमारी बात खत्म हो गई हो तो मैं नाश्ता ले आऊं। मैं दीदी से कहकर आती हूँ। ये लो चाबी, मैं अभी तुम्हारे साथ चल रही हूँ खेतों पे। अरे तू क्या करेगी, मैं जाके मैं दे आऊंगा। मैं घर में पड़े पड़े बोर हो गई हूँ, मुझे भी खेतों पे जाना है। और तुम्हारा भरोसा भी तो नहीं है टाइम पे खाना ले जाओगे या नहीं। देख मैं मोटरसाइकिल तेज चलाऊं फिर मैं समझ गई। तुम चलो तो सही। गिर भी जान दे। रोको तो सही। बाइक रोकना, लगता है बाबा को कुछ हो गया है। ए भगवान, तेरे ठीक कर ले रखा है सारी दुनिया का। अरे तुम रोको तो सही। क्या अच्छी समाज सेवी आई है भाई गांव में।
बेटा नमस्ते। रोटी ले आई? वाह भाई वाह, भूख तो लगी रही थी। ओहो, आज तो बड़े साहब भी आए, सलाम साहब। अरे राजू देखिए इधर भी, नहीं तो निभर सका। आज बड़े साहब आए भाई अपना खेत में संभालने। जो चमत्कार तो मैं भी देख रहा पापा। उसे मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, अरे कहाँ चल दिया? मुझे काम है मेरा। अरे कहीं नहीं मील लग रहे तेरे, अब आया है तो को दो काम करता चला जा भाई। हला लिया अगर कुछ शरीर को, छोड़े काम कर, यहाँ मैं रोटी खाऊँ। ले पकड़, ले बेटा, आ ले। गाल बेटे गाल। आरती, इसे आज हल्दी का दूध दे दिए, ये बहुत काम करेगा, इसके हाथ पांव दुखेंगे। आरती ने फसवा दिया आज, देखो कुछ पूरे पहाड़ेगा तो भाई। गाल बेटे गाल। अनिल एक फोटो ले दो मेरी, अनिल एक पिक ले दो मेरी। मैं तो इसीलिए बोल रही थी, तुम काम करते करते थक गए होगे, तुम्हें भी आराम मिल जाएगा। कलिया कभी खींचू फोटो था ऐसा, खींचवा फोटो याद रखेगी जीवन भर। तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए सोच रही थी। वो बैठा तेरा जीजा, उस पर खिंचवा ले। जीजा जी से खिंचवा दे। अरे जीजा जी तो खाना खा रहे हैं, चलो मैं खुद ही ले लेती हूँ। अनिल तुम्हारी लूँ एक फोटो? चलो कोई नहीं, मैं अपनी ले लेती हूँ। राजू बेटा तू नौकर आरती को ले जा, या तो जाकर अपना घर का काम निपटा लेगी, और यो जो तेरे वाला बकाया काम है ना, यो अनिल कर लेगा। आरती को तो मैं ले जाऊंगा, तुम इसे क्यों दुखी कर रहे हो? अरे मुझे पता तेरे काम तो बचने के बहाने हैं। करण तो लग रहा हूँ, सारा ही मैं करूँगा, तू कर ले, इतना फालतू बोल रहा। अरे राजू को ले जान दे इसे, आज तुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा तो तेरे पे जोर पड़ गया। राजू ले जा भाई। ठीक है, चल आरती। हाँ नमस्ते बेटे, नमस्ते। जाइए और ध्यान से जाइए। ठीक है, ठीक है। अरे राम, और सुने मैं जाऊं फिर मैं तो मिलने, और देखे यो सारा काम निपटा के जाइए, कदे मेरे जाते छूमंतर हो जा। हैं लेकर आती हूँ। तुम
हलवा? आज घर में कुछ है के? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? भाई हलवा तो माँ जब भी बनाया करती है, कुछ खास होगा तो इसलिए पूछ रहा हूँ। तुमने बिल्कुल ऐसा बनाया जैसे मेरी माँ बनाती। वो तो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि आज तुमने खेतों पर सारा दिन काम किया है, मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। तुम्हें क्या लग रहा है मैंने पूरे दिन काम करा होगा? थोड़ा बहुत तो किया होगा, आदत थोड़े से ही डलती है। तुझे पता है हलवा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। थोड़ा टाइम से आ जाया करो, सबके साथ खाने में और ही मजा है, और दूध के और खाना खाने के बीच में गैप भी मिल जाता है। मैं खेत पे जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिए। ठीक है। दीदी गेहूँ कहाँ रखे हैं? आटा खत्म होने वाला है, मैंने सोचा गेहूँ धो के सुखा दूँ। वो तो अंदर वाले कमरे में बोरी रखी है, वो तुझसे नहीं उतरेगी। थोड़ी देर पहले बताती तो मैं उनसे बाहर रखवा देती। मैं एक काम करती हूँ, अनिल को बोल के देखती हूँ। दही कहाँ है? ये दूध क्यों ना पिया? और मैं कह रहा हूँ दही कहाँ है? दही बाद में मिलेगी, पहले ब्रश करके आओ और मुंह धो के आओ। अब बता क्या करना है? गेहूं की बोरी उतारनी है, कुछ गेहूं बाहर लाके रखने हैं। अच्छा, कहाँ है बोरी? तुम्हें ये भी ना पता? अरे लेक्चर को दे मत, कहाँ है बोरी? चलो ये मैं करता हूँ, ये लेक्चर का काम नहीं है, समझ गए ना? मेहनत लगती है।
अभी। हाँ, खेत में खाना लेके जाना है। रोको 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 के हुआ? रोको तो सही। ए भगवान, अनिल ये लो फोन और प्लीज मेरी फोटो ले दो। ओहो, की मुसीबत है। बस एक यहां भी। यार फोटो तो मारे भी अच्छे आवे हैं, पर यार हमारा फोटो खींचा कौन है? यार फोटो तो हमारे भी अच्छे आवे हैं, पर यार अरे कोई बात नहीं, पर कोई गोड़े सोने थोड़े ही है। हाँ खिंचवाते फोटो। हमारा फोटो कोई नहीं खींचता यार, हम इतने गोरे सोने थोड़ी है। यार मारा भी खींच दे फोटो। अरे देख, अरे के देख रहा, बैंड बजा बजा जब भी खींचेगा फोटो। हाँ फोटो तो थारा खींचना पड़ेगा और बैंड बाजे के साथ ही खींचना पड़ेगा। साफ सफाई में करता रहूं। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ तुम लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हो। ओहो, अरे ये तो गलती होगी दिखे। अरे भाई साहब, अरे कहाँ ये तो चले गए दिखे हैं भाई। या तो तैयार थी मैं ही खामा खा गड़बड़ कर बैठा। माँ सही कह कर रही थी अगर लड़ाई झगड़े से दूर रहो, पर किसी की सहायता करो तो उल्टा काटने को आवे। बताओ माँ की बात तो याद कर रहे हो और उसका उल्टा मतलब लेके जा रहे हो। फिर गलती होगी दिखे भाई, मैं तो भूल ही गया था कि मैं मास्टरनी से बात कर रहा हूँ। आपका लेक्चर खत्म हो गया हो तो चले चलिए। जीजू कहाँ है? पूरा जीजू मौसा जी तो किसी जरूरी काम से बाहर गए, शाम तक आवेंगे। पर मैं तो उनके लिए खाना लाई हूँ। खाना? मैं हूँ ना, और तेरा साथ है, खाना के हम तो सब कुछ खत्म कर देंगे। हाँ खत्म करने में तो तुम उस्ताद हो, किसी की नींद खत्म कर दो, किसी का चैन खत्म कर दो, तुम जिसके पीछे पड़ जाओ बस पड़ी जाओ। ओहो, एक दिन काम कर कर वो भी आधा अधूरा, सब दुश्मन दिखा लगे। जा काम कर ले, नहीं तो पापा को कहना पड़ेगा। हाँ वो तो दिखाई दे रहा, तुझे तो मेरी शिकायत करने का मौका चाहिए बस। हम्म,
तू भी खा ले आरती। नहीं चीचू, मैं थोड़ा खेत घूम लेती हूँ, आप खाओ। वो तेरी मर्जी। देखो बैठा तेरा जीजा, क्या उस पर खिंचवा दे। तुम ले दो ना, जो तुम पिक ले दो, बहुत अच्छी आती है। ऐसे नहीं पैसे का। अब ऐसे क्यों आरती, चलो मुझे जाना, देर हो रही। जीजू आप जाओ, मुझे थोड़ी देर और रहना है। ठीक है, खाना मोटरसाइकिल यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है जीजू। चल इधर इधर आ जी। अब ऐसे करना हाथ। काफी देर हो गई है, तुम्हें भूख लगी है, तुम भी खा लो। इसमें पूछने की क्या बात है? कोई तुझे पूछेगा नहीं तो तू खावे ना। पूछना तो चाहिए। मैं तो ऐसा करता नहीं, ना मैं सोचता किसी को ऐसा करना चाहिए। अरे जिसकी जो मर्जी वो करो, किसी के भरोसे मत बैठो कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। अपने ही अपनों का ख्याल रखते हैं, ठीक है, तभी कुछ करने के लिए जज्बा आता है। यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। जब किसी को अपना मानोगे तभी तो पता चलेगा अपने क्या होते हैं। तुम्हें खाना है तो खा लो, तू तो हर बात में लेक्चर दे लगे। ओहो, बड़ी देर कर दी साहब आने में। मुझे तो लगता है इसने कुछ काम करा भी वहां, कुछ करा काम दाम। तू साहब है ना, जो तुझे बताऊं। देख उधर दीदी। अरे दीदी आप ये क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस पड़े पड़े बोर हो रही थी, सोचा कुछ कर लिया जाए। अरे मैं थी ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? चलो मैं आपका हेल्प करती हूँ। हाँ चल। अकेले क्या बात है जीजू, आप तो आजकल सिंगर हो गए हो। बस तू आजकल कुछ मत पूछ, इन्हें पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। ऐसा है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलटे, हम तो फिर भी इंसान है। आप किसको देख कर रंग बदल रहे हो? आपने जीजू को कुछ ज्यादा ही ढीला छोड़ रखा है। चल तू, ये तो ऐसे ही करते हैं। अरे घर के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आ जा, भीतर बड़ा रहे हर वक्त। अरे अनिल, कहाँ रह रहा भाई आजकल तू? अरे
मेरा यही हूँ, घर वालों ने बिजी से कर लिया। हमें तो कभी दिखाई नहीं देता, सारे में ढूंढते हैं भाई। हाँ ऐसी। और सुना कैसा अनुभव भाई? बढ़िया, एक जरूरत थी। बता भाई। फोन दिखा दो, दो दिन अभी फोन। भाई फोन में तो फोटो उठो है मेरे पर्सनल। अरे पता हमें भी तेरे पे फोटो है, फोन चाहिए मुझे दो दिन। देख मेरा आई, देख दे भी देगा परसों को। अच्छा और मैं इसे बेच के आऊंगा भाई, जरूरत पड़ा है ना। चलो अच्छी बात है, बाहर रख के खान तो अच्छा है, टाइम पे घर पे आ जा, कम से कम चिंता तो दूर हो जा हमारी। वाह भाई वाह। पापा जी हो गया काम? हाँ भाई हो तो गया, पर टाइम बहुत लग गया। टाइम ऐसा कर दो काम होना अगर अनिल भी खेत के काम में हाथ बटा लगे ना तो काम आसान हो जा, पर जितना बड़ा होता जा उतना ही लापरवाह होता जा। कह तो सही रहा है, अगर ऐसा हो जा तो क्या बात है, और देखा जा तो अब कुछ दिन से कुछ फर्क भी नजर आ रहा है। इसका कोई भरोसा, कुछ भी कर सके मूडी आदमी। हाँ भाई ये भी हो सके, चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। ले आ चल। तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बैठ जा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें घर में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? मतलब? अरे तुम्हें घर में सबसे ज्यादा कौन पसंद है, बस इतनी सी बात है। या के बात हुई? बात तो है, अगर तुम घर वालों के बारे में सोचते तो तुम्हें जरूर पता होता। अच्छा एक बात बताओ, तुम शुरू से ही ऐसे हो या बाद में आके ऐसे हुए हो? मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मैं कैसा हूँ, मुझे जो पसंद है मैं वो करता हूँ। लेकिन तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। देखो मौसा जी कितने परेशान रहते हैं तुम्हें लेकर। तो मैं क्या करूँ, यहाँ सब मेरे से लड़ने को तैयार रहे, जब वे मेरी नहीं सुनते तो मैं उनकी नहीं सुनता। तुम्हें भी समझना चाहिए, वो बड़े हैं और तुम छोटे हो, अगर वो तुम्हें डांटते हैं तो क्या हुआ, कहते तो इस घर की भलाई के लिए ही हैं। मुझे लगता है तुम मौसी जी को मिस करते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने इतने अच्छे पिक लेना कहाँ से सीखा?
वो बस यूं ही आ जाती है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा तुम अपना मोबाइल दिखाओ, देखो तो सही तुमने अपने मोबाइल में कैसी कैसी पिक ले रखी है। अरे रहने दो, मेरे मोबाइल में कोई पिक विक नहीं है। नहीं है या दिखाना नहीं चाहते? मैं सब समझती हूँ, आजकल के लड़के कैसी कैसी पिक रखते हैं अपने मोबाइल में। अरे जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो क्या उसमें गर्लफ्रेंड की फोटो है जो मुझे दिखाना नहीं चाहते? ओ तो इसीलिए नहीं दिखाना चाहते थे, तुम्हारे फोन में कैमरा नहीं है। कोई नहीं, ले लेना, मैं मौसा जी से सिफारिश कर दूंगी। अरे नीनी उन्हें कुछ नहीं कहना। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अरे नहीं नहीं रहने दो। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। वैसे एक बात बोलूं तुम्हें, काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी समझो। काम दूसरों के लिए नहीं अपने लिए होता है, और उससे जिंदगी आसान हो जाती है। साहब उठ गए हैं भाई, इनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। चुप है साहब, बोल नहीं रहे, नींद में है शायद, बाद में बोल लेंगे कुछ। जीजू आज खेत पे नहीं जाना क्या? ना आज कुछ खास काम ना है। तुझे कुछ काम है? नहीं बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। सोच रहा हूँ आज साड़ी जी के खातर पानी कर दू, काफी दिन हो गया ये, वरना नाराज हो जाएगी, और नाराज होगी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। ये तो है जीजू, फिर क्या कर रहे हो आज हमारे लिए? जो आदेश हो। आरती आज मौका है, सरते इनकी जेब पीली, पता तो चले ये कितने पानी में है। हम कौन सा पीछे हटने वाले हैं? जल्दी है यार, साफ दौरे पे लोग लाइन लगाए खड़े होंगे, साहब आओगे तो हमारे काम होंगे। ओहो आज तो बारिश होगी दिखे, साहब नहाएंगे। आरती सही कह रही है, मैं कब तक ऐसे रहूंगा? पापा पापा भी तो इतना काम नहीं कर पाते, और राजू राजू कितना काम करेगा? मुझे भी काम करना चाहिए, मैं आज ही आरती को सब बता दूंगा, और अब मैं खूब काम करूंगा, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो आरती कहाँ है? वो तो चली गई। कहाँ? घर, मतलब अपने घर। क्यों? जाना तो था ही उसे, आज नहीं तो कल। फिर दीपक भी आ गया था, मम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, और घर पर भी कुछ काम की दिक्कत आ रही है, और अब मैं भी ठीक हो गई हूँ इसीलिए वो चली गई। थारे घर में कोई ठीक भी है? कभी माँ बीमार, कभी बेटी बीमार, और तुझे जल्दी लग रही थी ठीक होने की। ये चल कोई ना, पहले तू कर ले, मैं बाद में कर लूंगा। मैं तो इसलिए कह रहा था अगर खाली से रह जाएगा।
आरती ये तो बताओ आपका किस बात की परेशानी तो ना हुई? नहीं मम्मी वो ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, बस थोड़ा लापरवाह है, वैसे तो वो ठीक है। अरे ऐसे मेरा भी डर होता काहे कभी तुमने उसे कुछ? अरे वो तो मेरी कम बोलने की आदत है। चलो छोड़ दो आरती को, ऐसा थकी होगी थोड़ा आराम। ठीक है पापा। अच्छा मैं नहा लेती हूँ, दराज में नहीं साबुन रखी है वहां से ले लेना। ठीक है मम्मी। साहब आज तो ड्यूटी से जल्दी आ गए, लगता है ऑफिस में कुछ काम नहीं था। ओहो उठ गए साहब। अरे कहाँ जा रहा? मैं खेत में जा रहा हूँ। अरे कुछ खा पी के तो चला जा। तू ले आइए मैं वहीं खा लूंगा। अच्छा चल तेरी मर्जी।
ये अपने आप को समझता क्या है? पहले तो मेरा फोन नहीं उठाया, अब स्विच ऑफ भी कर दिया। तुमसे बात कौन करना चाहता है? लो मैं तुम्हारा नंबर भी डिलीट कर देती हूँ। अरे हाँ करता कि ना करता, अरे हाँ करता कि ना करता, ओ कैसे भला मैं क्या करता। अरे पड़ गया तेरे चक्कर में, बता मैं के करता। अरे पड़ गया तेरे चक्कर में, बता मैं के करता। हाँ करती कि ना करती, हाँ करती कि ना करती, कैसे भला मैं क्या करती। वेला घना अकेला, याद तुझे मैं करण लग्या। जीना जिस पे ढंग से ना आया, तेरे पे वो मरण लग्या। हाय मैं था वेला घना अकेला, याद तुझे मैं करण लग्या। जीना जिस पे ढंग से ना आया, तेरे पे वो मरण लग्या। दिल में मेरे ऐसे बसगी हो, हाँ करता कि ना करता, अरे हाँ करता कि ना करता, अरे कैसे भला मैं क्या करता। पड़ गया तेरे चक्कर में, बता मैं के करता। हाँ पड़ गया तेरे चक्कर में, बता मैं के करता। अरे फंस गए तेरे चक्कर में, बता मैं के करती। हाँ फंस गए तेरे चक्कर में, बता मैं के करती। हाँ बता मैं के करता। बदल गई है मेरी दुनिया, तुमको जब से देखा है। अरे मेरे हाथों में भी देखो, तेरे नाम की रेखा है। हाय
बदल गई है मेरी दुनिया तुमको जब से देखा है। मेरे हाथों में भी देखो तेरे नाम की रेखा है। साथ है जीना साथ है मरना, हाँ करता कि ना करता, हाँ हाँ करती है कि ना करती, अरे कैसे भला मैं क्या करता। अरे मैं फंस गई तेरे चक्कर में, बता मैं क्या करती। हाँ पड़ गया तेरे चक्कर में, बता मैं क्या करता। हाँ फंस गई तेरे चक्कर में, बता मैं क्या करती। अरे पड़ गया तेरे चक्कर में, बता मैं क्या करता। हाँ फंस गई तेरे चक्कर में, बता मैं क्या करती रे। पड़ गया तेरे चक्कर में, बता मैं क्या करता। अरे फंस गई तेरे चक्कर में, बता मैं अरे राजू, ओ राजू। हाँ पापा। बेटे तुझे तो तेरी ससुराल जाना पड़ेगा, राम सिंह जी का फोन आया था। वो यूं कह रहे थे आरती जब यहाँ आई थी तो कुछ किताबें भूल गई। हाँ मंजू भी कह रही थी कि आरती की कुछ किताब रह गई है। हाँ तो बेटे तुझे तो देख आना पड़ेगा, क्योंकि वो यूं कह रहे थे अगर भाई दीपक को तो टाइम नहीं। मुझे तो किशन मास्टर से जरूरी काम से मिलना है, और आप अनिल को भेज दो। हाँ ये भी ठीक है। अरे अनिल। हाँ जी। सुनिए बेटे, बेटे तुझे राजू की ससुराल जाना पड़ेगा, वह जब आरती आई थी तो कुछ किताबें भूल गई, और किताबें जरूरी हैं। राम सिंह जी का फोन आया था, तूने दे आज। तुम कह रहे हो तो मैं चला जाऊंगा, कब जाना? बस आज ही चला जा, अभी चला जा तू। हाँ देर क्यों लगानी? और देखे नहा धो के जाइए भाई, कहते यूं का यूं चला जा। हैं ठीक है। भाई परिवर्तन तो है, काम भी कर रहा था और कहते मान भी गया, कोई बहस नहीं करी। अब फोन कर रहा है, जब मैंने फोन किया था तो मेरा फोन तो नहीं उठाया, मैं तुम्हारा क्यों उठाऊं?
नमस्ते बेटा, ठीक हो? ये आपकी किताब है। अरे आपकी बड़ी भलक्कड़ है, वही भूला है? बैठो। चलूंगा, मुझे काम। नहीं बेटा बैठो, कुछ खा पी कर जाना। अरे आरती, आरती देख अनिल आया है, उसके लिए कुछ नाश्ता पानी बना ले। ठीक है। आरती, उस दिन मैंने तुम्हें कई बार फ़ोन किया था लेकिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने गुस्से में फ़ोन फेंक दिया जिससे बैटरी अलग हो गई, लेकिन आज जब मैंने तुम्हारी मिस कॉल देखी तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया। तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हो, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे कॉल करो। समझ में कुछ राड़ा आता है बेटा, कहीं हो तुम्हारा बाप पैदा। इस अनिल का भी कुछ पता नहीं, वहां पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, पता ना चाय पानी भी क्यों नहीं। मैंने तो तुम मना कर इस पर पता नहीं माना नहीं। यो अनिल आज भी ना आया खेत पे, दो चार दिन तो काम ठीक किया
लगा था सुधर गया पर यू तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया। हाँ पता ना जब से घर से आया तब से ऐसे ही हो रहा है। तू पहले कह रही थी ये वहाँ भी चाय पानी ना पी काया। हाँ तो दोपहर में खाना खाने भी नहीं आता। लगता है मेरी बात ठीक थी, ये आरती और अनिल के बीच कुछ बात है। देख लो आरती के आने पे कैसा काम किया करता था, अब आरती चली गई है तो फिर वैसे ही हो गया। तू ये सब बात छोड़, अनिल को कुछ खेत पे मैंने कागज दिए थे, तू वे मुझे ला दे। उसने तो ना दिए मुझे। देख जाके उसके कमरे में कहीं फेंक तो नहीं दिए। ठीक है मैं देखती। मिल गए कागज? हाँ मिल गए, देखो। पापा ना मानने इस बात को, इनकी जोड़ी बिल्कुल नहीं बनती, तू इस बात को रहने दे। अरे किसकी जोड़ी ना बनती भाई? बस कुछ ना हो तो अनिल के बारे में कुछ बात कर रहे थे। ये अनिल की कुछ बात समझ में आ ही नहीं रही, बीच में तो काफी ठीक हो गया था, अब फिर वैसा ही हो गया, और अब तो कई दिन से दिखाई भी नहीं दे रहा, कहां है वो? तुम ऐसा करो अनिल का ब्याह कर दो। ना भाई ना, मैं उसकी शादी हरगिज नहीं कर सकता। अरे जब वो कुछ करता ही नहीं तो कौन उसको अपनी लड़की देगा भाई, सब जाने उसके बारे में। मंजू कह रही है कि आरती की शादी की बात कर दो उसके पापा से। कतई ना करो, वो है आरती के लायक। अरे कहाँ आरती कहाँ हो, और अगर खुदा ना खास्ता मान ले मैं बात करता भी हूँ तो राम सिंह जी क्या समझेंगे, बहुत बुरा मान लेंगे। वो यूँ समझेंगे कि हम दबाव दे कर रिश्ता ले रहे हैं, और अगर वो रिश्ता नहीं करेंगे तो हम मंजू को परेशान करेंगे। मंजू कह रही है कि अनिल आरती को पसंद करे, उसके आने से काम करने लगे था, फिर ऐसा ही हो गया। देख भाई मुझे तो ये बात लगती नहीं, और मान लो ये बात सही भी है तो अब कौन सा बदल गया वो, अब उसमें क्या परिवर्तन आ गया बताओ। आप एक बार उनसे बात तो करके देखो वे क्या कह रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं एक शर्त पे कर सकता हूँ। कैसी सर? वो जो है ना हमारा पापा जी नमस्ते, मैं मंजू बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटा। मैं ये कह रही थी कि आरती की शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? हाँ ये इसकी फिक्र तो मुझे भी है, पर इतने अच्छे लड़के आजकल आसानी से मिलते कहाँ हैं।
तेरी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बता। मेरी नजर में एक लड़का है और वो आपका देखा हुआ भी है। हाँ तो लड़का बता कौन है? अनिल। कौन अनिल? अरे अनिल को जानते हो आप, इनका छोटा भाई, मेरा देवर। हैं? तेरा दिमाग तो सही है मंजू। क्यों पापा, क्या बुराई है? सभी लोग कितने अच्छे हैं यहाँ पर। हाँ वो तो ठीक है, पर अनिल कुछ करता भी तो नहीं है। लोग पूछेंगे कि लड़का क्या करता तो मैं क्या जवाब दूंगा? और तेरी मम्मी भी नहीं चाहेगी ये रिश्ता। पापा अनिल में कोई बुराई नहीं है, बस काम ही तो कम करता है। अब तो वो काम भी करने लगा था। मतलब? मुझे लगता है वो आरती को पसंद करता है। जब यहाँ आरती थी तो वो काम भी करने लगा था। हाँ हाँ कर लिया होगा किसी और वजह से। हाँ हाँ बेशक वो आरती को पसंद करता होगा, लेकिन आरती बिल्कुल पसंद नहीं करती होगी। तुझे पता है ना आरती को निठल्ले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा आप समझ नहीं रहे हैं। अच्छा तुमने रामपाल जी से बात की? हाँ की थी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मना कर दिया, वो जब तक काम नहीं करेगा वो बात नहीं करेंगे। तो अभी से तू ही देख ले, जब वही अपने लड़के की शादी नहीं चाह रहे तो मैं कैसे मान जाऊँ? अगर अनिल काम करना शुरू कर दे तो आप मान जाएंगे? हाँ लेकिन आरती चाहेगी तभी ऐसा होगा। ठीक है पापा। ठीक है बेटा। एक बार आरती से बात करके देखती हूँ वो क्या बोलती है। हेलो आरती, कैसी हो? हाँ दीदी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अच्छा एक बात बताएगी सच सच? हाँ बोलो दीदी क्या बात है? तू अनिल को पसंद करती है? बताना क्या बात है, मैं तुझसे इसलिए पूछ रही हूँ कि अनिल तुझे पसंद करता है। अरे नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता, जब तू यहाँ थी वो काम भी करने लगा था, उसने अपनी आदतें भी बदल ली थी, अब तेरे जाने से वो और भी बिगड़ गया। मतलब? अच्छा मैं तुझसे सारी बात बताती हूँ, तेरे फोटो भी मिले हैं उसके कमरे से। अब बता तू अब भी यही कहेगी कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है? अनिल तुम्हारे लिए कितना बदल गया था। नहीं दीदी अनिल ने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। तुझे पता है ना वो किस तरह का लड़का है, वो नहीं कर सकता इस तरीके की बातें। देख अगर तुझे अनिल पसंद है और तू चाहती है कि वो सुधर जाए तो तू अनिल से बात कर। मैं क्या बात करूं उससे, मेरी कहां सुनेगा वो? जरूर सुनेगा, तू एक बार फोन पर उससे बात कर ले, लेकिन बात जब ही करिए जब वो तुझे पसंद हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तेरी तरफ से किसी गलत फहमी में हो, और मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी में उसकी वजह से कोई दिक्कत हो। तू एक बार उससे साफ साफ बात कर ले, ठीक है?
मुझे देर तो ना हुई आने में? ना, बोल के काम था। अरे ये भी नहीं पूछा मैं कैसी हूँ, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं आने में, सीधा काम पूछ रहे हो। अनिल आजकल तुमने काम करना ही छोड़ दिया है, दोपहर को घर भी नहीं आते हो, क्या करते हो सारा दिन? मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या मतलब है? ठीक है, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे लिए कोई परेशान हो रहा है, तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हो, तुम्हें सिर्फ अपनी मौज मस्ती इधर उधर घूमना, तुम्हारे लिए यही सब कुछ है। एक बाप जो चाहता है कि उसका बेटा कुछ काम करे, उन्हें लोगों की सुननी ना पड़े, एक भाई जो कह कह के थक गया कि कुछ काम कर ले तो आगे उसी के काम आएगा, एक भाभी जो चाहती है कि उसके देवर की शादी हो, उसके बच्चे हो, कल का उसका भविष्य अच्छा हो, लेकिन तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। हर कोई मुझे क्यों गलत मानना है, कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। तुम मौका देते हो किसी को कुछ समझने का, हर किसी से लड़ने को तैयार रहते हो, तुम मानते हो किसी की बात? अरे जब तुम किसी की बात नहीं मानते तो तुम ये क्यों सोचते हो कोई दूसरा तुम्हारी बात मानेगा? मानना तो दूर, तुम तो सुनना भी नहीं चाहते हो। तुम्हें तो हर बात में मेरी गलती नजर आती है, जब मैंने तुम्हें कॉल की, मैंने SMS किया, तुमने सुनी मेरी बात? तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की जब मैंने तुम्हें फोन किया था? कॉल मैंने पहले करी थी, तुमने क्यों नहीं सुनी? उस वक्त मैं नहा रही थी, मैं बाथरूम में थी, जब मैंने तुम्हारी मिस कॉल देखी तो मैंने तुम्हें कॉल बैक किया था, लेकिन तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया। उस टाइम मैंने गुस्से में फोन फेंक दिया था और दोबारा के भी मेरा फोन घर रह गया था, मैंने बाद में कॉल करी, तुमने क्यों नहीं सुनी? उस वक्त मैं गुस्से में थी। मैं तो तुम्हारे घर भी आया था, तुमने वहाँ की बात, तुम तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, तब की तुमने मुझसे बात? मैं तो गुस्से में थी, मुझे लगा तुम जानबूझकर मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। आता है ना तुम्हें भी गुस्सा, मेरे साथ भी यही है, बस मुझे थोड़ा ज्यादा आता है। मैं तो तुम्हारा SMS पढ़ने के बाद तुम्हारे लिए हलवा बनाकर लाई थी और तुम वहाँ से चल दिए, तुमने ये भी नहीं देखा कि तुम्हें कोई पीछे से आवाज लगा रहा है, तुम्हारी वजह से मुझे चोट भी लग गई। चोट लग गई मेरी वजह से? कैसे? वो जब तुम मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हें देखने बाहर आई, तो तुम मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, मैंने तुम्हें आवाज भी लगाई और तुम्हारे पीछे भागी। पीछे भागी? क्यों भागी? तुम चाहते हो ना कि हमारी शादी हो जाए? हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? वो दीदी का फोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि बस इतनी सी बात, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सच? अनिल भाई मेहनत कर रहा, भाई ले मैं मदद करूं तेरी। मेरा दिल जीत गया मेरे भाई। अरे भाई ठीक है भाई, मेहनत कर भाई। Thank you.
राजू ले बेटे पैसे ले और मिठाई सिठाई लिया, आज बहुत खुश हूँ मैं। खुशी की तो बात है पापा, आज जो राजू ने इतनी मेहनत करी। अरे बेटे तुझे क्या बताऊँ, मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता ही यही थी और भगवान ने हमारी सुन ली, वो सुधर गया। भगवान के साथ साथ में आरती का भी हाथ है इसमें। हाँ ये तो है ही भाई, इस मामले में मैं बहुत भगवान कि मुझे दो ऐसी सुपात्र बहू मिली और ऐसी औलाद मिली। बहू जी। पापा जी। बेटे आज पकवान बनाइए। ठीक है पापा जी। हाँ और देखे अनिल का ध्यान रखिए, उसके हिसाब से बनाइए, उसकी पसंद की चीज बनाइए। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। हाँ राजू जा जल्दी से जाकर भगत जी की बर्फी लेकर आइए बेटे। ठीक है पापा जी, मैं जाता हूँ। आरती अगर तुम ना होती तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाता। हाँ भाई सारी मेहनत ही सही दिखाओगा, हम भी तो तेरे कुछ लगते होंगे। और हमने भी ये सोची तुम दोनों बड़ी छुप छुप के बात करो, आज यही आके पकड़ेंगे। अरे सच में तुमने अपनी मेहनत आज मेरे भी दिल दिया। अरे अपनी मेहनत से ये फसल उगा के तो राम सिंह जी चमत्कार ही कर दिया। पिताजी अब मेरी समझ में आ गया है, आप ये फसल नहीं उगाना चाहते थे, मुझे काम करना सिखाना चाहते थे, जो मुझे अब आ गया। बेटे सही बात तो यही है कि इंसान का असली धन है उसकी सुपात्र औलाद। हर नटखट बच्चे में एक अनिल छुपा है, बस जरूरत है तो उसको समझने की, उसको सही रास्ता दिखाने की और उसे सहयोग करने की।